तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता, इसी लड़के से भाई जिसके साथ हमारे मेकर ने फेक रियलिटी में फाइट कर लिया था। ये हमारे सेट में भी आ रहा था, तो सेट के पास में आकर ना ये बांसुरी यहां पे बजा रहा था और तभी हमारे मेकर आ जाता है और आते कहते भाई सब क्या हुआ, हमारे यहां पे आके बांसुरी काई को बजा रहे हो। हाँ तो लड़का यहां पे कहता है कि भले मैना में ना जी शेंग चेन यहां पर है और जेड प्योसेट ना जेड प्योसेट में गुआन यू नाम का बड़ा कमाल का बंदा यहां पे था, काफी स्ट्रॉन्ग था और ऐसा कहा जाता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। तो अपन उसके साथ यहां पे फाइट वाइट करने आया है। हमारे मेकर भी कहता गुआन यू क्या ना रहे, हाँ हमारे सेट के मेंबर यहां पे थे लेकिन लगभग 100 साल पहले सेट को छोड़ के यहां से जा चुके कहीं बाहर। जो सुंदर लड़का भी कहता मगर कहां पे बाहर जा चुके, हमारा हैन कहता बाहर जो डेमोनिक कल्टीवेटर है ना डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए। वो लड़का भी कहता है काम करो तुम फिर मेरे साथ यहां पे फाइट कर लो। हमारा हैन कहता कि वेल नहीं यार मेरी कोई औकात नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ यहां पे फाइट करूं, इसलिए प्लीज यहां से निकल जाओ। जो सुंदर लड़का कहता ना 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 मुझे महसूस हो रहा है तू मेरी बांसुरी की आवाज सुन के यहां पर आ चुके हो, मेरी बांसुरी की आवाज वही बंदा सुन सकता है जो बंदा ट्यूलेशन स्टेज पर है और तेरे अंदर से मुझे पावर भी महसूस हो रहा है। तू पक्का इनके सेट का गुआन यू यहां पर होगा, वो बंदा भी ट्यूलेशन स्टेज का है। हमारा मैं कटा सोचता कि नहीं भाई इसने गलत यहां पर समझ लिया, हाँ लेकिन ट्यूलेशन स्टेज का यहां पर हूं। अब यहां पर दो चीज हो गया, या तो इसको हां बोल के फाइट करूं या ना बोल के यहां से निकल जाऊं, और ना बोल के जाऊंगा ना इसको गुस्सा आ जाएगा क्योंकि सिस्टम ने मुझे बताया कि छोटी से छोटी बात पर यह गुस्सा करता है, तो आई डोंट नो क्या क्या कर देगा। और बाई चांस लड़ाई की और गलती से मैंने मार डाला ना हैवेली इमोटा सेट जो सेट का ये मेंबर है वो लोग नाराज हो जाएंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हाँ तो क्या बोलूं यार मुझे चैलेंज कर लेना चाहिए। सामने से कहता गुआन यून चलो यार फाइट यहाँ पे करो, कम ऑन बेबी मैं तुमको जान से नहीं मारूंगा। हमारा मैं कहता कहता कि नहीं नहीं बात वो नहीं है, मुझे इस बात का टेंशन नहीं है लड़ाई यहाँ पर हुआ, मैंने तुमको हरा दिया तुम तो भाई मुझसे नफरत करोगे जिंदगी भर मेरे से दुश्मनी निकालने के बारे में सोचोगे। वो कहता बिल्कुल ना यार अपन इनविंसिबल वाले स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर कोई मुझे हरा ही नहीं सकता, हाँ तो दुश्मनी निकालने की बात ही नहीं आती। हमारा मैं कहता भी देखता यार ये लड़का कितना ज्यादा बेशरम है यार, बेशरम बनने के मामले में पक्का इनविंसिबल वाले, इस मामले में कोई भी इसको हरा नहीं सकता बेशरम बनने के मामले में। फिर लड़का कहता चलो यार फाइट वाइट चालू करे, हम लोग ने अपना पाम अटैक यूज करेंगे, जिस बंदे की बैंड बजेगी ना वो बंदा हार जाएगा। हमारे मैं कहता था गुड लेकिन आसमान में चल के यहाँ पे सेट के जो लोग हैं ना यार उनकी बैंड बज सकती है। हमारे राय के चक्कर में वो भी कहता हूँ ठीक है, वो दोनों आसमान में जाने के लिए निकल जाता है। ये जो बुड्ढा यहाँ पे था ना बुड्ढे को भी महसूस होता दोनों ट्यूलेशन स्टेज के लेवल के बंदे, एक तो भाई हमारे स्लिंग गिल्डर हैं और दूसरे यहाँ पे कौन है, अरे यार ये लड़का तो जी शेन चैन यहाँ पर है और ये हैवली इमोर्टल सेट का कमाल का जीनियस यहाँ पे माना जाता है जो कि कई सालों से सेकुलेशन में यहाँ पे था, लगता भी है सेकुलेशन से बाहर यहाँ पर आ चुका है और स्लिंग गिल्डर के साथ फाइट करने वाला है। शीट ये लड़का जो स्लिंग गिल्डर है ना वो मुसीबत में ना आ जाए। अब आते भाई फाइट की ओर, यहाँ पे वो कहता है चलो भाई मैं अपना पाम टेक्निक यूज करने को तैयार हूँ, तुम भी अपना पाम टेक्निक यूज करने को तैयार हो जाओ। हमारा हैन देखता है कि शीट भाई अगर मैंने अपनी पाम टेक्निक यूज किया ना या तो इसको काफी बैंड बजा सकता हूँ, इसलिए छोटी सी जो थंडर पाम टेक्निक है ना वो मैं यूज करता हूँ, तो अपना थंडर पाम टेक्निक लेके बढ़ जाता है। वो लड़का भी देखता भाई थंडर पाम टेक्निक मेरे पास भी कमाल का फायर पाम टेक्निक है, मैं भी वो यूज करता हूँ। दोनों यूज करते और दोनों एक दूसरे का पावर देख के महसूस करते कि अरे बाप रे यार इसका स्पिरिचुअल पावर तो एकदम गजब ही है। दोनों हल्का सा दूर आते हमारा हैन देखता कि भाई इसने अभी तक अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज नहीं की, मुझे लगता और भी अच्छे से नाटक करके ना इसके से छुटकारा पाना पड़ेगा। और लड़का भी देखता शीट मैंने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की, मुझे लगा इतने समय में इसको हरा दूंगा, इतने में हरा नहीं पाया, मुझे लगता अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। नहीं यार अगर अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज करूंगा ना तो यार ये हो सकता है इसको ज्यादा चोट लग जाए, बेचारे की जान निकल जाए जो मैं निकालना नहीं चाहता। फिर से उनके बीच में फाइट यहाँ पे कंटिन्यू हो जाती है और तभी जो अपनी प्लांट यहाँ पे थी ना भाई प्लांट को महसूस होता मास्टर का हो रहा, ओ माय गॉड ये तो मास्टर का हो रहा है, लगता मास्टर किसी के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं आसमान में, किसी के साथ फाइट कर रहे हैं। यांग कहता हाँ वो जो बंदर वो भी हमारे मास्टर के बराबर यहाँ पर है, पहली बार यहाँ पे देख रहा हूँ जो कि हमारे मास्टर को ना बराबरी का टक्कर यहाँ पे दे रहा है। सामने से अपना भद्दा सा डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर को बराबरी का टक्कर ऐसा मत बोलो मास्टर मुसीबत में, मास्टर की बैंड बजेगी। अपना मुर्गा कहता है कमोन बेबी, जो मास्टर है ना हमेशा उसी बंदे से फाइट करने जाते जिनसे पूरा भरोसा है कि मैं उसको हरा सकता हूँ और एक ही बार में हरा देते, इसको हरा नहीं पा रहे इसका ये मतलब हुआ मास्टर नाटक कर रहे हैं, वो चाहे तो एक बार में हरा सकते वो बस नाटक करे तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और खुद मुर्गा अपने काम में लग जाता है वही पेड़ द्वारा किसी और कमाल के बीस्ट को बुलाने का और अभी तक लगा पड़ा है। ये लोग कहते भी मुर्गा करना क्या चाहता है, मुझे लगता है इसके अंदर ये हवस आ रहा है, इसको कोई मुर्गी चाहिए लेकिन भाई कोई मुर्गी मिल नहीं रही तो हिला हिला के अपनी बॉडी को काम चला रहा है। अब यहाँ पे आते सेट में बाकी लोग की और उनको भी महसूस होता आसमान में, ओ माई गॉड आसमान में स्लिंग गिल्डर किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, लगता कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पर आ गया हमको जाके हेल्प करना चाहिए, तो हेल्प करने को तैयार यहाँ पे थे। अपना जो बुड्ढा था ना बीच में तो कहते नो 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 तुम लोग बीच में नहीं जा सकते क्योंकि जो अपोनेंट यहाँ पर नाम जी शेन चैन उसका यहाँ पे नाम है हैवेली मोटर सेट का सबसे जीनियस, उसके साथ फाइट करना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो जो लीडर था अपने सेट का जो पहले अनसेटर हुआ करता था वो भी कहता क्या स्लिंग गिल्डर ने आपको कुछ बताया उसके बारे में, ये भी
तो उन्होंने बस ये बोला मैं फाइट करने जा रहा हूँ, तुम्हें ना मामले से दूर रहना, जो सेठ है ना सेठ वालों को भी मामले से दूर यहाँ पे रखना, बीच में बस यहाँ पे मत आना, क्योंकि वो जो बंदा है ना यार मैं भी उसके साथ यहाँ पे फाइट करके टीक यहाँ पे नहीं सकता, समझने की कोशिश करो। तो अपने लीडर कहता क्या आप भी टीक नहीं सकते उसके सामने, शिट यार फिर स्लेइंग एल्डर का भी टिकने के चांसेस यहाँ पे कम है, क्योंकि भाई आप दोनों टीम लेते हैं स्टेज के हो और हमने उस बंदे को नुकसान नहीं पहुँचाया, वो काइको यहाँ पर आया है। बूटा कहता आई डोंट नो, बस काइको आ गया, बस स्लेइंग एल्डर पर भरोसा करो, वो शायद जीतेंगे और सब बचा लेंगे। ये जो था ना भाई शायो नाम का एल्डर जिसको हमने पहले देखा था, जो अभी वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, मनीमन सोचता भी मैं 5000 साल का यहाँ पर हूँ और अभी तक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन पर हूँ, मुझे लोग जीनियस कमाल का कहते थे कि इतना जल्दी आप इतने हार्ड लेवल पर चल गया, लेकिन इसके सामने यार जो ट्यूलेशन लेवल का बंदा भी टिक नहीं सकता, लालत मुझे अपने ऊपर आ रही है कि भाई मैं तो उसके सामने लिटरली फूक से ही मर जाऊंगा। फिर बुड्ढा ये भी कहते कह रहे वहां पर यार हमारे सेट में एक दो नहीं बल्कि 8,869 डिसिपल यहाँ पर है, स्लेइंग एल्डर यहाँ पे मर जाएंगे ना है तो उस आदमी को लिटरली 10 सेकंड भी नहीं लगेगा हमारे सेट की बैंड बजाने के लिए, तो हम लोग कैसे अपनी जान बचाएंगे, कैसे यहाँ से बच के निकलेंगे। और बहुत ही लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, तो अपने सारे बंदे इग्नोर मारते कहते चलो यार कम ऑन, मैं तो भाई सिक्स कर रहा था छोड़ के यहाँ पर आया था, जाके कंटिन्यू करता हूँ। ये लोग कहते हैं भाई यार ऐसे कैसे तुम लोग आराम करने जाओगे, तुम लोग मेरी बात सुन भी नहीं रहते। लीडर यहाँ पे बताता सुनो मेरी बात यार, स्लेइंग एल्डर ने जाकर फाइट किया, फाइट तभी करने जाते जब उनको पूरा विश्वास होता है कि अपने अपोनेंट को हरा सकते हैं, यानी अपने अपोनेंट को हरा देंगे। जैसे चिल चिल जैसे चिल, बुड्ढा सोचता क्या यार इतना चिल यार, मतलब इनको सच्ची में स्लेइंग एल्डर पर इतना भरोसा है, अबे स्लेइंग एल्डर स्लेइंग एल्डर है। हाँ तो वो सच्ची में उसको हरा देता और कहता यू लूज, यस तो यहाँ पे हार चुका है। मनीमन सोचता है मैंने बस इतू सा ज्यादा नहीं, बस इतू सा अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाई थी, उतने में ये सच्ची में हार गया। इसने कहा भी था अगर मैंने हरा दिया ना ये गुस्सा नहीं करेगा, नफरत यहाँ पे पैदा नहीं करेगा, इसने तो भी गुस्सा किया और मेरे खिलाफ हेटरेट इसने पैदा कर लिया ना, मेरा सिस्टम मुझे बता देगा वैसे ही साली की जान निकाल लूंगा। वो लड़का भी कहता नो नहीं 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 मैं हार नहीं सकता यार, ऐसे कैसे हार सकता हूँ, झूठे आदमी तूने मुझसे झूठ बोला, तू पक्का महानाई स्टेज का बंदा होगा। तो हमारा हैंड देखते कि यार वो मुझे महानाई स्टेज का बंदा समझ रहा है, इसको ये बोलूंगा कि नहीं भाई मैं ट्यूलेशन स्टेज का हूँ और इससे लेवल थोड़ा सा कम है और गुस्सा आ जाएगा तो हेटेड पैदा कर सकता है, इसलिए कहता है कि वेल हाँ तू ऐसा बोल सकता है कि अपन महानाई स्टेज का लगभग है। तो वो भी कहता है शीट यार मैं महानाई स्टेज के बंदे से कैसे हार सकता हूँ। हमारा हैंड भी सोचता कि हाँ भाई तुम खुद यहाँ पर ट्यूलेशन के नौवे पर हो, महानाया से तो हार ही सकते हो ना। वो सामने से कहता सुनो मेरी बात, तुम लकी हो, तुम दुनिया के पहले ऐसे इकलौते बंदे हो जिसके सामने अपन हार चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, आगे चल के नहीं हारूंगा, वापस यहाँ पर आऊंगा और देखना जो हार है ना मैं हार का बदला यहाँ पे पक्का लूंगा। हमारा मैं कटा भी सोचता है हाँ भाई इसको और जोश यहाँ पे देता हूँ, आगे आता हूँ कहता भाई तुम ग्रेट हो, मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे ज्यादा ग्रेट हो, तुम्हें ना ज्यादा कल्टिवेशन नहीं कर पाए हो, अगर तुमको और 200 या 200 साल का टाइम यहाँ पे मिलेगा ना तुम तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, इतने स्ट्रॉन्ग कि मैं सामने से टिक नहीं पाऊंगा। तो वो भी कहता शियान चेन या ये बात तुमने एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, तो अब मैं चला वो जो ईवल एम्पायर है ना ईवल एम्पायर को ढूंढूंगा, पहले उसको हराऊंगा और देखूंगा मैं कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना और तो जाकर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आऊंगा। बाय, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा एहन भी देखता बाल बाल मुसीबत यहाँ पे टला, तुमने नोटिस नहीं किया भाई, वो शर्मा यहाँ पे रहा है और हमारे सिस्टम के अंदर लिख के आ जाता है जो लड़का ना उसने आपके खिलाफ ना 2 स्टार फेबिलिटी डेवलप्ड यहाँ पे कर ली। हमारे चैन को बड़ी बुरी फीलिंग, हमारे हैन को बहुत ही बुरी फीलिंग आती है कि मम्मी फेबिलिटी डेवलप कर लिया, ठाई कोड बस 2 स्टार है, 4 स्टार यहाँ पे मत चल जाना, आपको याद नहीं है भाई 4 स्टार कब आता है, जब कोई आपको सच्चे दिल से प्यार करने लग जाता ना तो जाकर 4 स्टार हो जाता है। तो फिर चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।